वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा। अध्यक्ष महोदय, मूल्य विहीन संचार विहीन राजनीति का प्रतीक है। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज में। बीते दिनों कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी। अधीर रंजन ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इसी बयान के विरोध में भाजपा ने सड़क से लेकर संसद तक मोर्चा खोल दिया। इसके अलावा संसद में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच जमकर टकराव देखने को मिला था। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच नोकझोंक तक हो गई थी। इसी बीच अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विवादित बयान को लेकर आखिरकार माफी मांग ली है। माफी मांगते भी ना क्यों, जिस तरीके से स्मृति ईरानी, अमित शाह जब बवाल हुआ उसके अगले दिन ही उनके आवास पर पहुंचे मुर्मू से मिलने के लिए, कयास यही लगाया जाता है इसके बाद कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन इसी बीच अधीर रंजन ने माफ़ी मांग ली है। उन्होंने महामहिम को चिट्ठी लिखकर माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा है कि मेरी जुबान फिसल गई थी। बता दें कि दो दिनों से अधीर रंजन द्वारा राष्ट्रपति पर दिए गए बयान को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है। भाजपा ने आदिवासी से जुड़ा मामला बताकर लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। साथ ही भाजपा ने सोनिया गांधी से माफी मांगने की भी बात कही। स्मृति ईरानी ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसके बाद आज आखिरकार अधीर रंजन ने चिट्ठी लिखकर माफी मांग ली है। अधीर रंजन ने कहा है कि मैंने गलती से गलत शब्द का प्रयोग किया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है, उस तरीके से क्या ये मामला यहीं पर ठंडा हो जाएगा। बता दें कि अधीर रंजन की तरफ से राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद भाजपा ने जमकर बवाल किया। भाजपा ने कहा कि देश की प्रथम नागरिक के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कोई नेता सदन में कैसे कर सकता है। वहीं राष्ट्रपति विवाद के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी से मुलाकात भी की, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। अब इन सबके बाद कयास यही लगाया जा रहा है कि यहाँ पर अमित शाह और स्मृति ईरानी जिस तरीके से राष्ट्रपति से मिले हैं, उसके बाद अधीर रंजन ने माफ़ी मांग ली है। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़ राष्ट्र के नाम।